फाइनली यहाँ मिल गई हमें पार्किंग और हम निकल गए हैं बीच पे। तो ये रहा इधर पूरा पार्क, लोग पिकनिक मना रहे हैं और यहाँ पर है बीच, तो सर्फिंग वगैरह आप सब कर सकते हैं। और इतना सुंदर दिन निकला हुआ है आज, सनी सनी सनी। यहाँ पर ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा के कबार मैंने उठाया हुआ है। ये इंसान सिर्फ अपने कपड़े लेके चल रहा है बीच के। आप ड्रिंक ड्रिंक बोल रहे हो ना, मेरी मम्मी बोलेंगे ड्रिंक ड्रिंक मतलब दारू। अरे ये ब्रेंच हम हाथी आने वाले थे, चला गया, अच्छा खासा जमीन पे बैठ गए थे इस इंसान के ड्रामो में। और जमीन भी जा रही है पिकनिक मनाने के लिए और बेंच तो गायब हो ही रहा है, कहीं अन्य दोगे कि नहीं। आज हम चलते चलते केक काटेंगे। घूम फिर कर हम पहुंच गए हैं सेम स्पॉट पे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखो, यहाँ पे बैठ के हम पिकनिक मना रहे हैं। और क्या चाहिए, क्यों बेंच चाहिए, ये कहाँ से निकली। काट दो। यहाँ पे हो रहा है हमारा पिकनिक का सेटअप। विशाल केक में कैंडल्स लगा रहे हैं और यहाँ देखो ये सीगल्स आ गए, इनसे बच के अपना खाना खाना चाहिए, नहीं तो हाथ से भी छीन के ले जाते हैं। चलो जलाओ जल्दी जल्दी, एक तो मैं से पहले ही बुझ गई बुझाने से। चलो रेडी पेडी गो। जल्दी इसे पहले वो सारी हवा से बुझ जाए। Happy birthday to you, happy birthday to Bhonkar, happy 37th birthday. ये थोड़ा झूठ बोल दिया मैं। 45th. पहले मैं खिलाता हूँ आपको। Happy birthday. Thank you. मस्त है ना, उन्होंने बोला था। ये जो गेस्ट भी हैं आपके बर्थडे पार्टी में। अरे यार इन गेस्ट को तो किसी ने नहीं बुलाया, इनसे तो बचा के रखो। वाकई बहुत यम है यार। विशाल हैं तो इतना सेलिब्रेशन भी हो पा रहा है, अदरवाइज मैं तो घर पे आराम से सोते रहती हूँ। लास्ट ईयर यही हुआ था। अब जल्दी से केक खाते हैं, बहुत यम है, पिज्जा खत्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं बीच। देखो यहाँ पे कितनी बड़ी सी काइट उड़ा रहा है कोई, क्योंकि आज दिन अच्छा है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, इतनी बड़ी सी काइट है। मैं इस सीगल के बारे में इतना ज्ञान दे रही थी और पूरा ज्ञान देने के बाद मैंने देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग तो दबाई ही नहीं है। मैं कह रही थी कि जब ये सीगल अपने एक पैर ऊपर करते हैं तो उनके पैर के जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे एक पॉकेट सी होती है, तो उस पॉकेट में अपने पैर को छुपा लेते हैं। और इनके जो पंजे हैं वो डक की तरह से होते हैं, तो ये हवा में उड़ते तो हैं ही, लेकिन वो डक की तरह जो इनके पंजे हैं उसकी वजह से ये स्विमिंग भी कर पाते हैं। देखो चल रहा है तो शायद पता लग रहा हो, पर उस समय बहुत शॉर्ट था और मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। केक रख दिया है वापस ताकि पिघले नहीं, अब चलते हैं बीच पे। चल रहे हैं नहीं। अभी हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं और मुझे याद आ रहा है कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे तो हमारे साथ हीरो और तारा भी थे। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल डे और उनकी जो पिक्स है वो इतनी क्यूट है, वो दिन था वो इतना प्यारा दिन था कि मैं मिस तो कर रही हूँ उनको, नो डाउट। तो जब इंडिया जाएंगे उनके साथ वापस से खूब सारी मस्ती करेंगे, बट एट दिस मोमेंट आई जस्ट विश कि वो यहाँ पर होते। वो देखो वहाँ पे कोई जेट स्की चला रहा है क्योंकि दिन अच्छा है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर डॉग्स तो बहुत ही सारे हैं। ये एक और आ गया डॉगी, क्यूटू सा। जो पेट ओनर्स हैं, स्पेशली जो डॉग ओनर्स हैं, वो ऐसे अपने डॉग्स को जो है पार्क में लेके आते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो बहुत ही छोटी उम्र से जो है वो सोशलाइज होने लग जाएं, ताकि उनका जो एग्रेसिव नेचर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो सुबह मैंने बताया था आपको कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे आए हुए हमें एक डेढ़ घंटा हो गया है और काफ़ी देर से तो मुझे सर दर्द का पता नहीं लगा, लेकिन अब बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि यू नो वापस से सर दर्द शुरू हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी लेने के लिए, ताकि जस्ट इन केस अगर सर दर्द होने वाला भी हो तो भी रुक जाए, शाम को जाके दवा ले लूँगी। कैफ़े में आने के बाद और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद आइसक्रीम का भी मन कर तो रहा है, लेकिन शाम को देखते हैं। जान में जान तो अब आई है, कसम से पहले सिप से ही ऐसा लग रहा है कि यू नो बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया। अब मैं बैठ के पहले आराम से कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, उसके बाद देखना है कि क्या करना है। ये देखो ऐसे अपनी कार में अपनी बोट को बांध कर लोग लेके जा रहे हैं। डू द राइट थिंग, डोंट लिटर, यानी कूड़ा नहीं फैलाएं। और अब ब्लैक कॉफी पी के आ गया है मजा, आ गई है जान, सर दर्द का आता पता नहीं है। और अब चलते हैं बीच पे और ये 2 मिनट में पहुंच गए बीच। देखो कितनी चहल पहल है, अगर दिन अच्छा नहीं होता और छुट्टियां नहीं होती
तो इतनी चहल पहल आपको कभी नहीं दिखती। मौसम देख के तो लग रहा है कि पानी ठंडा होगा, लेकिन लोग तो गए हैं। अप टू यू। मैंने तो पहने अपने कंफर्टेबल शूज स्केचेस, अब मेरे को भीगने का कोई मूड नहीं है। मैंने फाइनली सोचा है कि मैं पार्टी स्पॉइलर नहीं बनूंगी, और मैंने अभी जूते जो है वो निकाल के हाथ में पकड़ लिए हैं, तो थोड़ी देर वॉक करते हैं। पानी ठंडा है, लाइक मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ वॉक कर रही हूँ, एंड आई कैन फील कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। बट ठीक है, चलते हैं। जिस तरफ डॉग्स है उस तरफ जा रहे हैं हम। हाँ, सबसे पहले विश किसने की आज? रैनन फ्रेंड का वीडियो कॉल आया हुआ है, तो बात करते हैं और थोड़ी देर वॉक करते हैं। पानी सच में बहुत ठंडा है। ये देखो, कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, कुछ लोग वहाँ पिकनिक मना रहे हैं बैठ के। ऐसा दिन बहुत अच्छा लगता है बाहर आने के लिए। यहाँ पे लोग इसीलिए सोशलाइज कराते हैं डॉग्स को, जो मैं पहले बात कर रही थी, ताकि यू नो वो किसी पर अटैक नहीं करें। अब जहाँ पब्लिक एरिया था, ट्रैफिक था, वहाँ तो लोगों ने लीश पे रखा हुआ था डॉग्स को, और यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ा हुआ है इन्हें। मेरे को हीरो तारे की इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती इस टाइम। विशाल इस डॉग को नहीं, पीछे वहाँ एक दूसरा डॉग खेल रहा है, देखो वो है बॉर्डर कोली, बिल्कुल हीरो की तरह, उससे मिलने के लिए गए। मैं क्या हीरो को कम मिस कर रही थी? जो तू इधर आ रहा है, आ रही है। हाँ बाबा, ओ कितना क्यूट है ये। हेलो, हाय बाबा, हाय, जस्ट लाइक हीरो। ओल बाबा, उसको याद आ गया कि मैं उसकी ओनर नहीं हूँ। देखो, ऐसे खेलते खिलाते अपने डॉग्स को बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी सोशलाइजेशन भी कराते हैं, थोड़ा थोड़ा सा यू नो ट्रेन भी करते हैं। इसीलिए डॉग्स मोस्टली जो डॉग्स हैं वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, अगर जो ओनर है वो रिस्पॉन्सिबल हो तो। ये जो बोट्स आपको दिख रही हैं, ये लोग अपनी खुद की बोट्स बांध कर लाते हैं कार में, जैसा मैंने अभी दिखाया था, और खुद की बोट्स लाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर लेकर निकल पड़ते हैं। ये सारी बोट्स जो हैं यहाँ रेत पे तो आ नहीं सकती, तो वो लोड करने के लिए अलग से ट्रैक्टर लगा हुआ है, ताकि यहाँ बीच से जो है रास्ते तक लोड करके ले जा पाएँ। काफ़ी लोग अपनी कार कुछ स्पेसिफिक जगह पर ला सकते हैं, बट ये देखो सारी बोट्स लाइन से लगी हुई हैं। हम आगे पास में, और ऐसे जाती है बड़ी बड़ी बोट्स बीच के बाहर। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो और पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उससे देख के ये मत सोचिएगा कि आप किसी भी बीच पर अपनी गाड़ी लेकर जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बीच प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पर मरीन लाइफ की सेफ्टी के लिए जो है आप गाड़ियाँ नहीं लेकर जा सकते। तो अगर आपको बोट वगैरह लानी है, अपनी कार वगैरह बीच तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जो भी रेगुलेशंस हैं वो काउंसिल से, लोकल काउंसिल से जो है वो चेक कर लें। हम निकलने वाले थे और ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन विशाल का मन था तो वो एक बार हिम्मत करके जो है वो पानी तक जा रहे हैं, और डुबकी लगा के फिर आएंगे। मेरे को पता है पानी कितना ठंडा है, इसलिए मेरे को हंसी आ रही है। आज लो टाइड है, इसलिए बहुत आगे तक जाना पड़ा है। मैंने जूम किया है इसलिए आपको लग नहीं रहा, बट मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ। इतनी दूर जा चुके हैं विशाल, जल्दी से ड्राई करो अपने आप को, मौसम चेंज हो रहा है। समुद्र का अपना यूज तो है नहीं हम लोग, तो इतना ज्यादा पानी देख रहे थे, थोड़ा डर भी लगता है। आप बहुत आगे गए थे, मैं जूम आउट करके देख रही थी ना। हाँ, लेकिन वो लो टाइड है इस वजह से शायद वो पानी बस कमर तक ही गया, फिर घुटने तक आ गया। हाँ, लेकिन जमीन ऊपर नीचे लग रही थी आपको? हाँ, ऊपर नीचे हो रही थी। डर लगता है ना फिर, वैसे काफी आगे चला गया, फिर डर लगने लगा कि एकदम से कहीं गहरा ना जाए। हाँ, वो टाइट अंदर ना खींचे, चेंज कर लेता हूँ ना। यहाँ पे ऐसे नल लगे होते हैं बाहर, तो आप बीच पे नहाने के बाद अपने जो हाथ पैर हैं वो धुल सकते हैं, शावर ले सकते हैं क्विक, ताकि जो नमकीन पानी है वो आपकी बॉडी से निकल जाए। और कई बार नहाने के बाद जो है वो खुजली भी होने लगती है बीच में नहाने के बाद, यू नो बालू वगैरह के कारण, तो उससे भी निजात मिल जाती है। कभी भी आप किसी सैंडी बीच पर जा रहे हैं तो वहाँ से आते ही अपने कपड़ों को वॉशिंग मशीन में मत डालिए, पहले कपड़ों को हवा में सूखने दीजिए, सूखने के बाद जो बालू है वो अपने आप झड़ जाएगी, और उसके बाद कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालिए, अदरवाइज बालू के कारण आपकी वॉशिंग मशीन और आपकी नाली दोनों जाम हो सकती है। क्विक टिप।
और अब हम चले घर। मेरे को ऐसे ही सेलिब्रेशन चाहिए था कि बस हम दोनों शांति से जो है कहीं जाकर या फिर घर में बैठकर चिल करें और टाइम बिताएं एक दूसरे के साथ। तो मेरे को बहुत बहुत मजा आया। एंड विद टाइम यू रियलाइज कि आपको अपनी जिंदगी का जो स्पेशल मोमेंट है वो स्पेशल लोगों के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मुझे तो आज का दिन बहुत 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 अच्छा लगा। और अब घर जाके देखते हैं, रेस्ट करेंगे, कुछ सिंपल सा ही खाएंगे क्योंकि दिन में बहुत हैवी खा लिया है। अब घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये जो सामने गाड़ी जा रही है रेड कलर की, इसने इतना धुआं उड़ा रखा है, इतनी ज़्यादा खटारा गाड़ी है कि लिटरली बस हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे आगे निकल जाएं किसी तरह, लेकिन अभी ट्रैफिक के कारण निकल नहीं पा रहे हैं। तो पूरे रास्ते का, पूरे व्यू का मज़ा इस गाड़ी ने खराब कर रखा है। चलो जी, घर पहुँच गए, थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। देखो, दोपहर में मैं डाल के गई थी इन्हें राइस, लेकिन फिर भी सब वेट कर रहे थे यहाँ पे। अभी आते ही मैंने इन्हें राइस डाल दिया है। तो यहाँ पे बन रही है मेरी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ काबुली चने, ये वाइट वाले काबुली चने। इसमें कुकर में मैंने नमक और हल्दी डाल दी है, और इसके साथ ये पोटली बना ली है। ये कपड़ा गंदा नहीं है, बट एक ही कपड़ा मैं बार बार यूज़ करती हूँ मसालों के लिए, तो वो चाय पत्ती का दाग लग जाता है। अब मसालों में मैंने लिया है तेजपत्ता, दालचीनी, चाय, शाही जीरा, थोड़ी सी बड़ी इलायची, छोटी इलायची तोड़ के डालनी है, और काली मिर्च डालना भूल गई, काली मिर्च डाल लेती हूँ, लौंग डालनी है, और बस इसे बांध कर ये पोटली हम डाल देंगे इस कुकर में, साथ में 3-4 सीटी तक उबाल देंगे और सारा जो फ्लेवर है वो इन छोलों में आ जाएगा। उसके बाद आप आराम से नॉर्मल करी की तरह तड़का लगाइए और ये छोले बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बन के रेडी हो जाएंगे। मेरे को मौका मिल गया। आप बोल रहे थे ना बार बार कि ले लो ले लो, मेरी तरफ से कुछ ले लो, तो मैंने ले लिया। तो बहुत ब्यूटीफुल है रे। अच्छे लगे? बहुत सुंदर शूज। अच्छा स्टफ है, फैब्रिक भी इतना सॉफ्ट है ना, स्नीकर्स और बूट का कॉम्बिनेशन। तो क्या आपके पैसों का सही इस्तेमाल हुआ है? बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूं। आई एम ग्लैड He liked it. अभी तक मैं जब से विशाल आए हैं तब से मैंने छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि विशाल के आने के 2 या 3 दिन पहले ही मैंने इसे खरीदा है। और अब मेरे घर में सबसे बात हो चुकी है, सबने मुझे बर्थडे विश कर दिया है, और अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को क्लोज करने का। आई होप कि ये छोटा सिंपल सा जो बर्थडे व्लॉग था वो आपको पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार अगले वीडियो में। टिल देन एंजॉय, बाय।